तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा ब्रिटानिया केक, वो भी बिना ओवन के, बिना अंडे के। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसे बनाने के लिए एक बोल में मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। अब इसमें हम एक कप पीसी हुई चीनी डाल देंगे। ये नॉर्मल चीनी ही है जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से इन दोनों को मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ कर लेना इनको। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम आधा कप गाढ़ा दही डाल देते हैं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें हमेशा फ्रेश दही का यूज़ करें और दही गाढ़ी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। अब मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा, यानी एक पूरा कप लिया है, और एक चौथाई कप और। एक बड़ा चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर का, हाफ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से छान लें। अब इसमें हम एक चुटकी नमक ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नमक आप बिल्कुल भी ना डालें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, इसे भी मिला लेना है। तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने हाफ कप दूध लिया है, बट इसमें हम सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। तो कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ, यानी मैंने इसमें टोटल 1/4 कप दूध डाला है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें। अब इसे एक साइड पर रखते हैं। अब मैं यहाँ 1 चम्मच मैदा ले रही हूँ, इसमें हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब बैटर में हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसमें डालेंगे, थोड़ी सी हम ऊपर से डालेंगे, थोड़े से इसमें काजू डाल देते हैं। तो देखिए हमारा बैटर रेडी है। तो चलिए अब इसे टीन में डाल देंगे। टीन को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था और इसमें बटर पेपर लगा दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे मैदे से भी कोट कर सकते हैं। अब सारा बैटर इसमें डाल देंगे और इसे टैप कर लेंगे। और जो टूटी फ्रूटी हमने बचाई थी वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। साथ ही इसमें काजू भी डाल देंगे। तो चलिए इसे पका लेते हैं अब। तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट पहले। अब हम पैन को इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे।
इसे हम लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ स्टील की थाली रखी है जिससे हमारा केक बहुत अच्छे से ऊपर तक ब्राउन होगा। कई बार हम कांच के लिड लगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर होल होते हैं जिससे हीट बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा केक प्रॉपर ब्राउन नहीं हो पाता। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी इसे कवर करें अच्छे से कवर करें। तो 45 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे, ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो बस अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केक कितना अच्छे से बेक हुआ है। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ ये। चलिए मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ध्यान रखें कि जब भी आप केक को काटें बिल्कुल ठंडा होना चाहिए केक। गर्म केक में आप अगर इसे काटेंगे तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। चलिए इसे हम स्लाइस में काट लेते हैं। अब आप इसका टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये केक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।